ऑटोट्रोपस के बारे में हम पढ़ लिया। अब प्लांट में भी मैंने आपको जो दो एग्जांपल बताए थे, हेटरोट्रॉफिक यानी कि विषमपोषी, विषमपोषी में हमने दो एग्जांपल देखे थे। क्या एग्जांपल्स देखे थे? एक तो हमने देखा था जितने भी जीव है यानी एनिमल्स जितने भी है, जीव जंतु और दूसरा क्या एग्जांपल देखा था हमने, सम प्लांट्स यानी कि कुछ पादप तो स्वपोषी होते हैं, एल्गी भी जैसे आपको बताया, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रोपस न होके यानी स्वपोषी न होके अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो अब हम हेटरोट्रोपस में उनके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल के बारे में नहीं पढ़ेंगे अभी। एनिमल के बारे में आपको जो चैप्टर नंबर 2 दे रखा है वो पढ़ेंगे पूरा एनिमल के बारे में, उसमें भी यही सारी चीज़ें आएगी कैसे एनिमल करते हैं। तो अभी हम हेटरोट्रोपस यानी विषमपोषी पादप या और किस किस तरह से स्वपोषी तो होते ही हैं, और किस तरह से पौधे जो है अपना भोजन या पादप प्लांट्स जो है अपना फूड गेन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें दो तीन चीज़ें, सबसे पहले ऑटोट्रोपस मोड या स्व विषमपोषी विधि, इसमें हम दो तीन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट, और अगर विधि बोल रहे हैं तो इंसेक्टिवोरस मोड, या हिंदी में इसको बोलते हैं कीट भक्षी पादप। क्या होते हैं कीट भक्षी, पहले मैं एक साथ बता देती हूँ, दूसरे को होते हैं इंसेक्टिवोरस के बाद दूसरे होते हैं परजीवी या परपोषी। पादप के बारे में बोल रहे हैं तो परपोषी, अगर इसी जगह जीव होता कोई एनिमल होता तो हम क्या बोलते हैं, परजीवी पैरासाइट। ठीक है, और कुछ होते हैं सेप्रोफाइट्स, इसको हम बोलते हैं मृत पोषी। सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। इन तीनों के अलावा भी एक होता है जिसको हम बोलते हैं फोर्थ, जो टोटली डिपेंड नहीं होते किसी पर, लेकिन उन्हें बोलते हैं सिम्बायोटिक। पढ़ेंगे अभी डिटेल में क्या होते हैं ये सब सिम्बायोटिक प्लांट्स, हिंदी में इसको बोलेंगे सहजीवी। फर्स्ट हेडिंग है इंसेक्टिवोरस, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं कीट भक्षी पादप। क्या होते हैं ये पादप, इस तरह के पादप होते हैं, इनको घट पादप भी कहते हैं, इस तरह का एक शेप होता है इनका, ये प्लांट होता है पूरा, और इनकी जो लीफ होती है वो एक इस तरह के जग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, घट जैसा, पिक्चर जैसा, इसलिए इनको पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं घट घड़ा। ठीक है, तो घड़े जैसे शेप में कन्वर्ट हो जाती है, और इसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं अंदर की तरफ इस तरह के, और एक फ्लैप होता है जो बंद होता है। जब कोई कीड़ा छोटा इसके अंदर आता है, क्यों आएगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर खुशबू आती है, स्मेल आती है कीड़े को, जो इसको अट्रैक्ट करती है, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इंसेक्ट का मतलब कीड़ा कीट। तो वो अंदर जैसे ही आता है तो ये ढक्कन क्या हो जाता है, बंद, और वो कीट अंदर आता है, फिर इसमें बहुत सारे जूसेस सीक्रेट होते हैं इसके हेयर से, इसकी वजह से ये पूरा जो कीट है ये डाइजेस्ट हो जाता है, पाचन हो जाता है इसका, और पौधे को पोषण मिल जाता है। बुक में इसका डायग्राम दे रखा है, ये देखिए बुक में पेज नंबर 5 पे, बुक का भी बताती जा रही हूँ मैं आपको, ताकि आप बुक से वापस इसको देख सकें।
ये पिक्चर प्लांट है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड वाले हैं, पैरासाइट या परपोषी। पर का मतलब दूसरा, पोषी का मतलब भोजन। तो ऐसे पादप जो दूसरे पे भोजन के लिए डिपेंड करते हैं, पैरा, पैरा मीन्स अदर, साइट मीन्स रहने वाले। तो एनिमल प्लांट, एनिमल के बारे में बात करें तो एनिमल, और प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट। प्लांट विच डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड इज कॉल्ड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स जो होते हैं ये खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड। आपने कई बार देखा होगा कि सड़ी हुई लकड़ियों पे कई बार वाइट 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 आपको सा स्ट्रक्चर दिखता है, वाइट वाइट ऐसी चीज़ें होती है। या कई बार आपने देखा होगा, एक बेस्ट एग्जांपल है इसका अमरबेल। अमरबेल ऐसा प्लांट होता है, लीफ होती है उसमें, सब कुछ होता है, और वो कोई बड़ा ट्री होता है उसके ऊपर, मेनली जो होता है वो बरगद का ट्री होता है, आसपास उसी के रहती है ये, बरगद के ट्री के, बरगद के ट्री के आसपास रहती है बेनियन ट्री। तो ये बेल में से बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, टेंड्रिंस बोलते हैं इनको, तंतु निकलते हैं। ये इस ट्री के चारों तरफ लपेट लेते हैं, और ट्री से इसके जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। इसमें जैसे ये अमरबेल है, अमरबेल की लीफ है, इसमें से बहुत ऐसे टेंड्रिंस निकले होते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं, और ये किसी ट्री पे जाके ऐसे लपेट लेते हैं अपने आप, फिर लपेट के इनसे अपना जो फूड है वो क्या कर लेते हैं, सोक कर लेते हैं। सोक मीन्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोक कर लेते हैं, ठीक है, अवशोषित कर लेते हैं, हिंदी में बोलते हैं अवशोषित। और वो फूड, उस वो जो पेड़ होता है वो कैसे, पौधा कैसे बना रहा है अपना भोजन, फोटोसिंथेसिस से। तो वो जो भोजन बना रहा है ये उसके चारों तरफ लपेट के उस भोजन को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है पैरासाइट्स। अमरबेल इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है, नॉर्मली देखने को भी मिल जाती है अमरबेल काफ़ी जगहों पे, इसीलिए अमरबेल का आपने बोला है। देखिए आपके बुक में डायग्राम भी दे रखा है, बता रही हूँ मैं आपको, ये देखिए ये बरगद का ट्री है, ठीक है, ये इसके ऊपर येलो येलो से दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये पूरा अमरबेल है। इसको कसकुटा भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको कसकुटा बोलते हैं हिंदी में अमरबेल, दोनों ही आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। और जिस पेड़ पे ये लपेटते हैं, जैसे ये अमरबेल है और बरगद के ट्री पे ये जा रहा है, तो ये बरगद का कोई भी जो भी ट्री होगा उसको बोलते हैं होस्ट, होस्ट प्लांट, ठीक है। और ये खुद क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। अब थर्ड है सेप्रोफाइटिक प्लांट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मृत पोषी। नाम से क्लियर है, मृत का मतलब डेड, पोषी का मतलब भोजन, मरे हुए जीवों से अपना भोजन, मरे हुए जीवों से, मरे हुए पौधों से अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम सेप्रोफाइट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है फंजाई। जैसे कोई प्लांट है, कोई दूसरा पौधा है, वो सड़ गया, गिर गया, धीरे धीरे वो सड़ने लग जाएगा, तो उस पर आप देखोगे वाइट 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 ऐसे फंगस आ जाती है, हम बोलते हैं फफूंद आ गई। कई बार अचार आपके घरों में पड़ा रहता है बहुत दिनों तक, है ना, और उस पर भी फफूंद आ जाती है। ब्रेड पे देखा होगा आपने, अगर गीली ब्रेड पड़ी है या सूखी भी पड़ी है तो उस पर भी कई बार ग्रीन ग्रीन ऐसे स्पॉट से दिखते हैं। तो ये सब क्या है, ये जो ग्रीन ग्रीन से दिख रहे हैं ये फंजाई, कवक। ये सिर्फ मरे हुए जीवों से या पौधों से, मरा हुआ पौधा है, कोई जीव है वो सड़ रहा है तो उसके ऊपर, मरे हुए जीव से पौधों से अपना भोजन क्या करती है, ग्रहण करती है, ठीक है। तो ये कवक हो गई। इसका एक और आपने एग्जांपल देखा है मशरूम, जो आजकल खाने में बहुत यूज आती है, लेकिन सारी मशरूम नहीं खाई जाती है, सब मशरूम खाने लायक नहीं होती है, कुछ मशरूम जो होती है वो पॉइजनस भी होती है। पॉइजनस भी होती है, विषैली होती है, उनको नहीं खाया जाता। तो वो जो मशरूम है वो भी क्या करती है, आपने देखा भी होगा कहीं जगह सड़ी हुई लकड़ियों पे ऐसी उगी हुई सी रहती है छतरी जैसी,
इस तरह की, वो भी एक फंगस है। लास्ट जो है वो है सिम्बायोटिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहजीव, सहजीवी, या पादप के बारे में बोल रहे हैं तो सहपोषी। ये भी नेम से क्लियर है, सह मतलब साथ में, जीवन या पोषी मतलब भोजन करना, सिम का मतलब भी वही साथ में, बायोटिक का मतलब भोजन। तो एनिमल्स विच टेक देयर फूड बाय विथ हेल्प ऑफ अदर्स, ठीक है, पूरे डिपेंड नहीं होते, ये सिर्फ साथ में रहते हैं। कुछ जैसे दो प्लांट है वो आपस में साथ में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं अभी बताऊंगी मैं आपको, रह रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें जो जो है प्लांट, एक प्लांट दूसरे प्लांट को दे रहा है और कुछ चीज़ें दूसरा प्लांट सामने वाले प्लांट को दे रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको बताया एल्गी, एल्गी पढ़ा था ना हमने, क्या होते हैं वो, ऑटोट्रोपस होते हैं, स्वपोषी होते हैं, पढ़ा था एग्जांपल में। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, फंजाई, अभी जो ऊपर पढ़ा, ये क्या थे, मृत जीवी थे, कवक। अब ये तो अपना खाना खुद बनाते हैं और ये अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो ये दोनों साथ में रहते हैं, सहजीवन करते हैं, सिम्बायोसिस करते हैं, ये साथ में रहते हैं। तो क्या होता है कि एल्गी तो फंजाई को क्या देता है, खाना बना कर देता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोफिल की हेल्प से, खाना बनाता है फूड, और फंजाई उसको क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब, क्योंकि ये तो कहाँ रहती है, दूसरों पे रहती है, तो ये एल्गी के ऊपर रहती है और उससे खाना लेती रहती है। उसके बदले फंजाई क्या कर देती है एल्गी को, कवक क्या देती है शैवाल को, कवक क्या करती है, सड़ी हुई चीज़ों पर रहती है, तो जिस चीज़ पे भी ये सड़ी हुई रहती है वहाँ के जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, पोषक है, जो उसको डिजोल्व कर लेती है, घोल देती है, और घोल के जैसे जो पादप होते हैं वो मिट्टी से क्या लेते हैं, मिट्टी से मिनरल्स लेते हैं, तो वो मिनरल्स देने का काम फंजाई इसको करती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एल्गी फंजाई को खाना देते हैं और फंजाई एल्गी को रहने के लिए जगह देती है, वो मिनरल्स देती है, जो वो जमीन से पानी मिनरल्स इकट्ठे करते हैं वो मिनरल्स और पानी फंजाई एल्गी को पहुंचाती है। तो ये दोनों साथ में रहते हैं, और ये जो दोनों साथ में रहते हैं तो हम इनको अलग अलग तो बोल नहीं सकते कि एल्गी फंजाई ये प्लांट है ये, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं फिर, लाइकेन। क्या बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, लाइकेन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही।